वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं उसके लिए 2022 में आने वाले क्वेश्चन के लेके आए हैं, और आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे। याद रखना है, मैं जो क्वेश्चन का टिक लगा रहा हूँ बस वही पढ़ना है, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बस नहीं पढ़ लो, 10-11 क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% लाएंगे। यही छपरा 2022 के पेपर में, बाकी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला तो आप देखेंगे कि कोशिका की अल्टा स्ट्रक्चर, मतलब कोशिका की संरचना के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लार ग्रंथि नीचे दूंगा। पहले आप देखिए जीन की अन्योन क्रियाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीन अन्योन क्रियाओं के बारे में आप पढ़ेंगे, और देखो उसके बाद आता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम और केंद्रक की संरचना, वही आप देखने को मिलेंगे। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम के साथ में आपको देखना है बी क्रोमोसोम क्या होता है, बी क्रोमोसोम पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जैविक विकास के बारे में याद कर लेना है, और कोशिका सिद्धांत, कोशिका विभाजन कैसे हुआ, सेल डिवाइजेशन के दो प्रकार का होता है, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, एक होता है सूत्री विभाजन, जिसे समसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। तो मायोसिस और माइटोसिस दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद में आता है आपका ये देखो अनुकूलता, अनुकूलता किसे कहते हैं। उसके बाद जरूरत, और देखो मरुद्व और जलद्व दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है ये। बाकी मेंडल के नियम को याद कर लेना। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन के कितने टाइप होते हैं ये पढ़ेंगे। विकासवाद का सिद्धांत क्या होता है बेटा, विकासवाद के सिद्धांत के बारे में पढ़ के जाएंगे, याद कर लेना, इन क्वेश्चन को रट लेना है। उसके बाद में आता है परिस्थिति तंत्र, इकोसिस्टम क्या होता है, और उसके बाद में होता है इनहेरी, देखो इनहेरिटेंस का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनहेरिटेंस का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद में माइटोकांड्रिया क्या होती है, माइटोकांड्रिया पढ़ेंगे। उसके बाद में लार ग्रंथि, मैं आपको बता दूं लार ग्रंथि के, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे लार ग्रंथि। उसके बाद बीगुरसोम मैं ऊपर बता चुका हूँ, बीगुरसूत्र को वहां नहीं पढ़ना है। ये देखिए यहाँ आता है गुणसूत्री विपतन क्या होता है, गुणसूत्री विपतन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर नाइट्रोजन चक्र ये दोनों पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरित लवण क्या होते हैं इसको पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में आता है हमारे साथ आता है लैमार्कवाद डार्विनवाद की आलोचनात्मक व्याख्या। यदि ये क्वेश्चन आपके बुक में गैस पेपर में है तो पढ़ लेना, नहीं हो तो मत पढ़ना, लेकिन है तो पढ़ के जाएंगे, ठीक है। खाद श्रृंखला, खाद जाल को अच्छी तरीके से, और ऊर्जा पिरामिड को पढ़ के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आप पढ़ेंगे प्रेत उत्परिवर्तन क्या होता है, प्रेत जीन उत्परिवर्तन के बाद में, और पौधे का, पौधे में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो सेक्स डेवलपमेंट इम्प्लांट और प्राथमिक उत्पादन किसे कहते हैं। बस ये पढ़ के जाएंगे 2022 में, बस इतने ही क्वेश्चन पढ़ के जाना है, और आप देखेंगे 85% प्लस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बेटा बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।